गुप्ता धाम का आप लोग नज़र दिखा रहे हैं। गुप्ता धाम में बहुत सारे श्रद्धालु रात को भी आते हैं। इस समय हमारा बज रहा है, लमसम में देख रहे हैं, टाइम देख के भी इसकी में बता रहे हैं, 2:32 हो रहा है। हमने तो दर्शन कर लिया। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में एक थैला है, इसमें नारियल था और अगरबत्ती था, फूल भी था, गंगा जल भी था, लोटे के साथ इसमें लोटा भी है। और हमने दर्शन किया, दर्शन करके नारियल काली माता की मंदिर के सामने छोड़ा और खोल के वहाँ से हमने वापस जा रहे हैं। अब लोग हमारे साथ है, ये हमारे साथ मेरे टीम वाले हैं, ये भी मेरे टीम के कैमरामैन हैं जो कैमरा पे हमेशा फोकस करते हैं। और ऐसे ही हम लोग ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने के लिए भाइयों अभी चल तो आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे। ऊपर तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे करते हुए और आप देख सकते हैं रात में भी ये श्रद्धालु गंगा शीतला कुंड से नहा के गंगा जल हाथ में लेकर भीजे हुए गमछे के साथ लपेट के आ रहे हैं। और आपको दिखाएंगे पूरा फुल वॉच हमारे वीडियो में करते रहिएगा। तब तक के लिए हमारे फ्रेंड के साथ पीछे रुक गए हैं, उन लोगों को मैं बुला रहा हूँ, आओ भाई आओ। उन लोग शायद फोटो खींचने से इंतजार करवा रहे हैं। तब तक हम आगे चल दिए, आप लोग तब तक के लिए हम आगे चल रहे हैं, वो लोग आएंगे और वीडियो में आप लोग बने रहिए। इसलिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग वीडियो में हमारे उस श्रद्धा से आप लोग अगर श्रद्धा में डिस्टर्बी रखते हैं तो आप लोग यहाँ पर एक बार जरूर आइए। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ के देख रेख में रहने वाले से रहे हुए हैं। और जिस गेट से हम लोग एंट्री करते हैं, पहले जिस गेट से एंट्री किया जाता है उसी गेट पे हम आ चुके हैं। अब देखते हैं कहाँ से हमें निकलना पड़ेगा, यही देख कर हम बताते हैं आपको कहाँ से हमें निकलना पड़ेगा और कैसे जाना पड़ेगा। देख सकते हैं आप अपने वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह से हमें वापस रिटर्न निकलना है। देख सकते हैं यहाँ से अगरबत्ती और चंदा दान पेटी में कुछ दे रहे हैं, दान पेटी में दे के पैसा बोलेगी लगाना चढ़ाते हुए यहाँ पे जो देख रेख में पंडित जी की देख रेख में नारियल फोड़ के और यहाँ पर भी घंटी बजाते हुए वापस रिटर्न होके हम लोग निकल जाते हैं। हम लोग निकल जाते हैं और मैं 3 साल तक आया मैं, और अच्छी बात हमने नहीं जानी जो आप लोगों को मैं वीडियो में बताना चाहता हूँ, कौन सी बात आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी और नहीं जानी होगी। अगर आप लोग इस चीज़ को देखते होंगे तो बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कि हाँ भाई हमने इस चीज़ को देखा है। दिखा देते हैं आपको हम वीडियो में, हमारे लाइफ तक बने रहिए, दिखा देते हैं आपको हम इस चीज़ आप लोग नहीं देखते होंगे। आप लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आप लोग आए होंगे, आप लोग हमें तो आता है कि अभी जरूर यहाँ पर आए होंगे, लेकिन आप लोग जो हम दिखाए हैं पहले आप वो चीज़ नहीं देखते होंगे। देखे होंगे तो कमेंट कर दीजिए कि नहीं भाई हम देखे होंगे, तो उसके माध्यम से हम अपना आगे नेक्स्ट चीज़ जो वीडियो बनाए भाइयों आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा आगे हमारा वीडियो किस चीज़ को बनना चाहिए। और ये हमारे हनुमान जी का मूर्ति है और बाहर की तरफ ये जब वापस रिटर्न निकलने के लिए एकदम गेट के बाहर आने के लिए गेट से जब बाहर आप आएंगे तो यहाँ पे 6-7 सीढ़ियाँ हैं जो आपको देख सकते हैं, 6-7 सीढ़ियाँ जो उतर के एकदम सीधे आप मुख्य द्वार से आएंगे, मुख्य द्वार से उतरते हुए टर्न लेके आप जो 3 सीढ़ी और उतरेंगे यहाँ पे नीचे उतरते हुए आप जा सकते हैं। देख सकते हैं एक सामने और हवन है, हवन कुंड, यहाँ पे हवन होता है। आप लोग आपको हवन कुंड का हम पर नज़र दिखा दे रहे हैं, हवन कुंड का नज़र देख कर अगर यहाँ पर पाए होंगे, अगर हवन कुंड आप देखे होंगे तो आप ज़रूर जान जाएंगे कि नहीं ये गुप्ता बाबा का ही दिखा रहे हैं मेरे भाई। और रियलिटी में आप लोग जो दिखाता हूँ वो ओरिजिनल कंटेंट डालता हूँ, उसमें कोई झूठ चाच वाला हवन हो रहा है। और बाकी एक पंडित जी हैं और सारे यहाँ के पुजारी हो सकते हैं जो हवन करवाने के लिए यहाँ पे आए होंगे वो हो सकते हैं। और देख सकते हैं 2 की रात है, बारिश का मौसम है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बारिश हुआ है, खिला हुआ है, लेकिन फिर भी इतना जनसंख्या यहाँ पे जुटी हुई है। आप देख सकते हैं जनसंख्या की बहुत सारी भरमार है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम और अगले बार तो इतना जनसंख्या है ताकि यहाँ पे
अंदर अंदर इस गेट के अंदर जाने में बहुत प्रॉब्लम था श्रद्धालुओं को, बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि हम भी अगले बार आए थे तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ। मैं फाइनली अपना जो ये माला एगोर लोटा जो लिए थे हम, उनके यहाँ फाइनली जा रहा हूँ। और आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप आएंगे तो परचेज कर सकते हैं फूल माला और यहाँ पे कैसे कौन सा प्रसाद है, और हम आपको दिखा देते हैं वीडियो में। ये चूड़ा कैसे है भैया? भैया बता रहे हैं चूड़ा 20 रुपये है। अरे लचदाना जो पॉकेट है ये कितने ग्राम का है? 200 ग्राम। कैसे है भैया ये? 20 रुपये का ये भी है 200 ग्राम का। और ये भैया कैसे है? 10 रुपये का। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आइए और ये सब 10 रुपये का मिल जाएगा प्रसाद आपको घर ले जाने के लिए। इसको घर ले जा सकते हैं। और नारियल तो आप पहले आएंगे तो दर्शन करते हुए आप जाएंगे तो नारियल ले सकते हैं। नारियल ले जाकर भैया के पास आप आइए, लाइट दुकान इनका इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में तीन दुकान छोड़ गई हैं भैया की दुकान है। हम लोग भी अपना सामान यहीं पर रखे हुए हैं, भैया ने हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोग का सामान वामान रखवाए हैं। अब बोले हैं कि आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं, कोई यहाँ पर निकल कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए भैया के यहाँ हम लोग अपना सामान रखें और भैया के पास आप आइए। और अगर आप गुप्ता धाम आना चाहते हैं शिवरात्रि मेले पे तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि हम शिवरात्रि मेले पर, हाँ भाई हमें आना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। अगर कोई दूसरा वीडियो बनाना होगा किसी मंदिर से रिलेटिव, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश पूरा हमारा रहेगा उसको वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू गाइस।